प्रदेश भाजपा कार्यालय में जो आयोजित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, एक हम ऐसे विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जहां सरकारी दल हम पर अनर्गल आरोप प्रतिदिन लगाता है और हम चूंकि प्रतिपक्ष में हैं तो हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं तो उनके लिए परेशानी का सबब हम समझते हैं कि उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि सच्चाई हम जनता के बीच जाकर बता रहे हैं। लेकिन जो काम सरकार को करना चाहिए और अगर उनके आधिकारिक प्रवक्ता रोज मीडिया के समक्ष बैठकर सिर्फ आरोप ही लगाएं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लोगों को उनकी कार्यक्षमता पर और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न खड़ा होता है कि जो काम सरकार को करना है और बार बार वो हमसे सवाल पूछें कि अमुक से आपका रिश्ता क्या है, अमुक आपको फाइनेंस कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग सरकार में हैं उनको एक बार सोचने की आवश्यकता है कि क्या सरकार इसी ढंग से चलाई जाती है। कल आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता जो संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं उन पर आरोप लगाया गया कि गौ तस्करों का पैसा उनकी रैली में लगा। तो भारतीय जनता पार्टी उनसे प्रश्न करती है कि गौ तस्करी को लेकर अगर आप इतने ही संजीदा हैं, इतनी गंभीर हैं, तो संध्या टोपनो जिनकी गौ तस्करों ने विगत साल जुलाई में गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी, उसको न्याय दिलाने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया? जहां तक ये पता है कि ठीक है न्यायिक प्रक्रिया है, वो सारी चीजें कोर्ट में चल रही हैं, लेकिन सरकार के स्तर से यह उम्मीद थी कि एक उसका पुलिस अधिकारी जो अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान जो गौ तस्कर हैं उनके द्वारा कुचलकर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो सरकार को इसके चैलेंज के रूप में लेना चाहिए था कि हमारे अधिकारी की हत्या हुई तो वैसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी जो सजा है उनको हम दिलवाएंगे ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। लेकिन एक ऐसे अधिकारी के हाथ में वो सारी चीजें सौंप दी गई जो खुद एक महिला, आदिवासी महिला से घूस लेने के आरोप में पूर्व में जेल जा चुकी थी और जब वो बाहर निकली तो फिर उसी थाने में उसकी पोस्टिंग कर दी गई और जांच का जिम्मा भी, संध्या टोपनो जी के केस का जांच का जिम्मा भी उसी को सौंप दिया गया। तो गंभीरता को समझी जा सकती है कि सरकार कितनी गंभीर है कि एक आदिवासी महिला जो अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान दे देती है तो उसको लेकर सरकार अगर गंभीर नहीं हो तो प्रश्न तो हम पूछेंगे उनसे और उनको भला लगे या बुरा लगे हम उनसे सवाल करेंगे। और जो मूल प्रश्न है कि कल उन्होंने कहा कि गौ तस्करों का पैसा लगा है, अगर उनको इस बात की जानकारी है और सरकार की एजेंसियां हैं उनके पास तो ये सवाल हमसे पूछने के बजाय कि हम क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जांच करवानी चाहिए उनको। पूर्व में भी इसी तरह से अनर्गल आरोप लगाए गए बाबूलाल मरांडी पर कि सुनील तिवारी साहब के संबंध क्या है, अमुक अमुक कंपनी में कोई डायरेक्टर है, ये सारे आरोप लगाए गए। तो बाबूलाल मरांडी ने जब चैलेंज किया उनको कि आप सत्ता में बैठे हैं, आप सारी चीज़ों का जांच करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी करें, खामोश हो गए, कोई एक शब्द उस पर कहने को तैयार है। और जो कल आरोप लगाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका भी वही हश्र होगा कि उस पर कोई मुंह नहीं खोलने को तैयार होगा। और गौ तस्करों को लेकर इस सरकार के वक्तव्य हमने देखे हैं, जब मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में पिछले साल वो पलामू में थे तो उन्होंने अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश दिया था कि गौ तस्करों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उनकी गाड़ियां नहीं रोकेंगे। तो ऐसे लोगों का जो मनोबल वो बढ़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जब प्रश्न पूछती है तो उनको अखरता है, उनको बुरा लगता है और बुरा लगता है तो फिर हमसे सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछने की जो प्रक्रिया है वो रुकनी चाहिए। आपको लगता है कि आपके राज्य में गलत हो रहा है तो हमने कभी मना नहीं किया, हम तो खुली चुनौती देते हैं आपको कि अगर कहीं भी गलत लगता हो कि गलत हो रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है, इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए राज्य में, ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री तक वो सूचनाएं खुफिया तंत्रों के माध्यम से नहीं पहुंची होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री को चूंकि चुप्पी साध कर रखना है, भ्रष्टाचारियों को मनोबल बढ़ाना है, जो गलत काम में लिप्त हैं उनको जिस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न खड़ा होगा। और आम जन भी ये पूछने लगे हैं कि मुख्यमंत्री जब चौतरफा घिरे हुए हैं, ईडी चार बार उनको समन कर चुकी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो अपनी बंदूक क्यों तान देते हैं?
ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से करने के बजाय मुख्यमंत्री को स्वयं से पूछना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमें जिन लोगों ने इतने सारे वोट देकर इतनी सीटें देकर सत्ता में बिठाया उनके प्रति हमारी कोई जवाबदेही बनती है या नहीं बनती। लेकिन वो कुछ करने के बजाय प्रतिदिन उनके प्रवक्ता आएंगे और मीडिया स्पेस के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि अमुक अमुक बाबूलाल जी के संबंध उससे इस तरह के पैसे लग रहे हैं उनकी यात्रा में। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संगठित ढंग से चलने वाली पार्टी है और जब हम कोई प्रोग्राम चॉकआउट करते हैं, तय करते हैं जनता के बीच जाने का हो चाहे कोई भी हो, तो हमारे पास उतनी फाइनेंशियल बैकिंग होती है कि हमें किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा तंत्र जो है इतना सुदृढ़ है, हमारे कार्यकर्ता अपनी पार्टी को चलाने के लिए राशि समर्पण करते हैं और यह अनोखा होगा मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से अपनी पार्टी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी ओर से योगदान देते हैं। किसी दूसरे दल के लिए अनुकरणीय तो छोड़ दीजिए, विचारणीय भी नहीं होगा यह विषय। लेकिन आज जिस तरह से हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं राज्य की जनता भी जानना चाहती है। सिर्फ पार्टी की ओर से, मैं पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते यह प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, राज्य की जनता की ओर से प्रश्न कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस 3.5 करोड़ जनता की दुहाई देकर आप सत्ता में बैठे, क्या उन लोगों के प्रति आपके जवाबदेही कुछ भी नहीं है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद डालकर आप अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाना चाहते हैं? विषय कोई भी हो, आरोप हम ही पर लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में चले जाते हैं, हमारी नीतियों पर विराम लगा देते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ तो अच्छा कीजिए ताकि कोर्ट विराम लगाए नहीं, कोर्ट उस पर पुनर्विचार नहीं करे, उसको रिजेक्ट करे। लेकिन आप अगर कहीं लूपहोल छोड़ देंगे, गलतियां करेंगे, तो निश्चित रूप से वह विचारणीय विषय होता है। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता न तो वो आप खामोशी से चुप रहेगी, न जुडिशियरी, अगर उसके समक्ष सारे विषय उठाए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जुडिशियरी भी इन चीज़ों पर विचार करेगा और जो चीज़ें सामने आ रही हैं जिस तरह से परत दर परत खुल रही है उनके लिए हरासमेंट का इशू हो सकता है कि चार चार समन के बाद भी वो नहीं जा रहे हैं। तो आप समझिए कि झारखंड के लोगों को कितनी शर्मिंदगी होती होगी बाहर के राज्यों में कि एक मुख्यमंत्री पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, उनसे सहयोग मांग रही है एक संवैधानिक संस्था जो केंद्र की ओर है कि आप आकर बताइए कि किन लोगों ने जमीन लूट में अपनी भागीदारी निभाई है, उसके जो जानकारी आप पास आपके पास है आप उसको डिस्क्लोज कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री भयाक्रांत हो, वो इस डर से डरा हुआ हो कि हम जाएंगे तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत आपने सुना होगा, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हुई हैं, एजेंसियों का सामना हम नहीं कर पाएंगे, सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से गिरेबान तक हाथ पहुंचेगी। तो इसलिए मैं इतना ही अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता हों या फिर जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको एक बार गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम पर आरोप लगाने की बजाय सरकार की कार्यशैली क्या होनी चाहिए, सरकार की जो कर्तव्य है उसके निर्वहन में अगर कहीं वो पीछे रह जा रहे हैं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरी ओर से इतना। आप कह रहे हैं नहीं, मूल विषय पर ही तो हम बोल रहे हैं कि सरकार में जाते हुए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, अगर बालू घाटों के टेंडर बार बार कहने के बावजूद नहीं हुए, NGT के गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, अवैध उत्खनन हो रहे हैं, अगर हम वो प्रश्न पूछे तो हम खराब हैं क्या? राज्य में जिस तरह से अवैध खनन हुए, जमीन लूट हुई, उसका प्रश्न पूछें तो हम गलत हो गए? और अगर हमने कोई गलती की है तो सारी संस्थाएं उनके हाथ में जांच करवा लें। हमारे नेता ने तो कहा, बाबूलाल मरांडी जी ने, कि सत्ता में आप बैठे हुए, आपके पास सारी शक्तियां हैं, आप जांच करवा कर दूध का दूध पानी का पानी कर देते, ये चुनौती वो स्वीकार कर लें, हम तो खुद ही चुनौती दे रहे हैं उनको। तो समाज को जो उनको आदिवासी सूची में शामिल किया गया वो प्रक्रिया के तहत हुआ, सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उस पर पुनर्विचार हुआ, आपत्ति अनापत्ति मांगे गए लोगों से, उसके बाद किया गया। तो उस संदर्भ को आप इससे मत जोड़ दीजिए कि जो लोग अभी धरना पर बैठे हुए हैं उनकी जो मांग है उस पर भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है। बिल्कुल हम इस विषय से तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, जो सत्ताधारी दल है उनको जवाब देना चाहिए।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।